ये जो सामने वाला दरबार नजर आ रहा है, ये उस हिंदू औरत का जो नजारा है, कुदरतन जो है सूरह मक्की का। फलान दो दो लेने लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीन तमाम इसकारो प्यासों के अल्लाह ताला के लात दादू बेशुमार नेम का शुक्र बजा लाते हुए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इस वक्त हम खड़े हैं जी थाल के इलाका में और अभी जा रहे हैं जी जग्गी शरीफ। इधर से जो है सारा रोड पड़ा है टूटा और साथ उस्ताद मजहर हैं हाफिज फिजान भाई, और अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं। रास्ते में हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लें तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखा। शुक्र है अभी पर जहाँ से जो आगे रोड जो है बिल्कुल तसली बख्श आ गया है, तो आप इंशाल्लाह कुछ मिनट ही लगेंगे। पहुँच आए हैं जग्गी शरीफ, तो यहाँ पर जो है माशाल्लाह दरबार पे जाएंगे और मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी यहाँ पर। ये अभी तक है तो ज़ेर तमीर, यहाँ से लेकर इधर तक तकरीबन 4-5 दरवाजे इनके माशाल्लाह एंट्री करने लगे हैं। अब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, कितनी बड़ी कसी ये मस्जिद है माशाल्लाह। कुछ बन गया और कुछ अभी तक ज़ेर तमीर है। अभी जो हम इधर आ गए थे दरबार गुलाम अकबर शाह, फिर खुर्शीद अहमद शाह का परले वाला दरबार जो है, और इधर साहब जो पहले खड़े थे यहाँ पीर इकबाल शाह रहमतुल्लाह का, माशाल्लाह ऊपर से देखें। इधर से ये एक दरबार है और इस दरबार में जो हम पहले हो गए हैं कड़ा वाला, वहाँ पर सिर्फ जो औरतें जाती हैं। ये वाला जो दरबार है पीर नूर मोहम्मद शाह करीम हैदर शाह, ये पीर जाफर जो इनमें से जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। इधर से ये सारा जो है इधर साइड पे कब्रिस्तान है काफ़ी दूर तक, और वो उधर आगे जो है बाज़ार हैं, उधर भी इंशाल्लाह चलते हैं अभी। ये जो विवर्स दरबार है पीर जाफर शाह का, यहाँ पर जो ये जो विवर्स इन सब में से जो यहाँ पर पहले आए थे, इन्होंने यहाँ पर लिए के इलाके कुछ फ़तह किए थे, तो इनके जो यहाँ पर फिर मज़ार वगैरह। तो ये जो है जग्गी शरीफ इसलिए मशहूर हुआ था, यहाँ पर एक हिंदू औरत को इन्होंने मुसलमान किया था, उसके जो है घर वालों ने पीछे से उनको तशद्दुद वगैरह किया, उसका जो है हिंदू जो औरत थी उसका नाम था जग्गी, तो इस वजह से ये उस औरत को मुसलमान करने की वजह से इस जगह का जो नाम ऐसा ऐसा जग्गी हो गया। तो इस तरह से अस्ताना जो है पीर जग्गी शरीफ जो मशहूर हो गया। ये जो विवर जो तो सामने आ रहा है ये उस हिंदू औरत का जो मज़ार है, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए थे इसलिए उनका जो मज़ार वगैरह बनाया गया था। तो अभी जो है इंशाल्लाह हम जहाँ से जाने लगे हैं ये दरबार वगैरह और मस्जिद, और वो भी दरबार हैं। विवर जिसके बारे में जो हाफिज़ भाई थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, तो ये आपको थोड़ा सी विवर ये इस तरफ जो है बाज़ार है उस साइड पर भी है, बाज़ार में जा रहे हैं कुछ घूम फिर आते हैं। अभी जो व्यूवर्स हम आइसक्रीम खाने लगे हैं इधर से लेके। व्यूवर आपने खाना है तो वहीं से किसी जगह से लेके खाना। हाँ जी व्यूवर आपने खाना है तो वहीं से लेके खा ले, यहाँ पात बहुत है और पक्की तो रोटी नहीं है, राम में पक्की तो रोटी हुई है। व्यूवर जे वाले हैं जी जग्गी शरीफ के, यहाँ पर जो शहर बना हुआ उसके बाज़ार वगैरह, और आगे भी इस तरफ जो है लंडा लगा हुआ है, और अभी जो जाकर आपको वो लंडा बाज़ार भी दिखाते हैं। इधर से व्यूवर जे वाला जो है लंडा बाज़ार, लंडा बाज़ार नहीं वैसे बाज़ार लगा हुआ है, नहीं है हर चीज़ से ज़्यादा कपड़े ही कपड़े हैं हर जगह पे, न लांग जाता है न चापा जाता है। इधर से आगे ये वाला ना बाजार है, बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे हैं। फलान दो दो लेने लें ला ले मुट्टा मुका। इधर उधर ये बाज़ार लगा हुआ है, आपको भी दिखाते हैं सारा एंजॉय कराते हैं। इधर ये देखें सामने ये थाना बना हुआ है, और ये भी टिब्बे में देखें यहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान सा जग्गी थाना, और फिर जग्गी थाना है ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, और बिल्कुल टिब्बे में है देखें। रिवर से कोई टिब्बे में खाने का जोर तो नहीं मिलता, शहर तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। रुके थे वैसे रेस्ट करने के लिए, और साथ ही हम यहाँ पर रुके हैं कुदरतन जो है सूरह मक्की खड़ी है, सूरह मक्की आपको दिखाते हैं इसके फूल वगैरह साथ ही आके। रिवर ज़्यादा रिवर ने तो देखी होगी और आपको दिखाई देते हैं। व्हाट इज़ दिस ओनली क्वेश्चन फॉर गर्ल्स, लड़कियाँ बताएं ये क्या है। लड़कियाँ नहीं सबको बताइए ये फूल है, और हमने कौन सा यहाँ पर कोई नई चीज़ दिखा दिया। देखें एक बार आगे ताकि ये सारी सूरह मुखी है, क्या खूबसूरत नज़ारा यार। क्या ये
सूरज का टुकड़ा हमने जमीन पर उठाया है। सूरज टुकड़ा नहीं है, सूरज का फूल है। मैं आपके लिए चांद तारे नहीं, मैं आपके लिए सूरज लेकर आ सकता हूँ जमीन पर। जो सामने जो है आपको पठानों की जो है पट्टियाँ नजर आ रही होंगी, यहाँ पर लकड़ियाँ भी देखने काफी सारी पड़ी हैं। व्यूअर्स अभी यहाँ पर ठहरे हैं और इस पठान भाई से जो हम दे रहे हैं बोतलें वो पीछे फ्रिज के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं कुछ देर, आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह जाना है मुंडा चौक। यहाँ से आगे तो उधर से आए हैं थके हुए। ये पठान भाई है जिसे हम बोतलें ले रहे हैं भाई, इसे हम पछतो भी बुलवाते हैं अभी। ये जो सामने व्यूअर्स पठानों के घर हैं, उनका बहुत दिल का कल्चर, मैंने कहा चलो आपको भी उनके घर दिखा दें थोड़ा नज़दीक से। फाइनली व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं मुंडा चौक और इंशाल्लाह अभी जो है कुछ देर यहां पर आराम करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। और अभी खाना वगैरह खाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद अगला जो है व्लॉग दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये व्लॉग करेंगे एंड। माशाल्लाह से खाना आ चुका है तो अभी इंशाल्लाह हम खाने लगे हैं खाना। तो व्यूअर्स अगर किसी ने खाना तो आपने ऑर्डर से हम तो अभी खाने लगे हैं, खाने खा। तो व्यूअर्स आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं, उम्मीद है कि व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो के साथ। आज का व्लॉग इसी तरह चलते फिरते जाकर करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय व्यूअर्स।